हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि हाइट के वो कॉजेज जो कि ट्रीट किए जा सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से बच्चों की हाइट बढ़ना रुक जाती है। अगर इसको हम लोग टाइमली पकड़ लें और इसको डायग्नोज कर लें तो फिर हम बच्चे की हाइट को अपने नॉर्मल रिगेन कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वाइटामिन डी डिफिशियंसी, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो रही है। काफ़ी लोगों में हम लोग देखते हैं बच्चों में वाइटामिन डी का जब हम लोग लेवल कराते हैं तो वाइटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। इससे रिकेट्स हो जाता है और रिकेट्स बेसिकली ग्रोथ प्लेट्स को अफेक्ट करता है, तो बच्चों की हाइट रुक जाती है। तो एक तो ये कॉज है, अगर आपका बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही तो आप उसका विटामिन डी का टेस्ट कराइए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉज हाइट ना बढ़ने का है वो है हाइपोथायरायडिज्म। ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हालांकि लड़कियों में हाइपोथायरायडिज्म ज्यादा कॉमन होता है। तो अगर आपका 10-11 साल का बच्चा है, 15 साल की बच्ची है और उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, वो सुस्त रहती है, वेट उसका बढ़ रहा है, चेहरा थोड़ा पफी रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ये लक्षण आपके हाइपोथायरायडिज्म के होंगे। तो इसलिए इस बच्चे के आपको थायराइड प्रोफाइल कराना भी बहुत जरूरी है। तो एक हो गया हाइपोथायरायडिज्म, दूसरा हो गया विटामिन डी डिफिशियंसी। इसके अलावा एक डिजीज होती है सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज जिसमें पेट की प्रॉब्लम रहती है, बच्चा ग्लूटेन बर्दाश्त नहीं कर पाता और जैसे ही गेहूं या ग्लूटेन वाली चीजें जब वो खाता है तो उसका पेट खराब रहता है। इसमें भी अगर आप देखें तो क्रॉनिक ग्रोथ फेलियर होता है और बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है। तो ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट ट्रीटेबल कॉजेज हैं कि अगर हम इन बीमारियों को आप टाइम रहते पकड़ लेंगे तो इनका आप इलाज कर लेंगे तो आपका बच्चा है जो है को नॉर्मल हाइट अटेन कर सकता है। इसके अलावा कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जो जेनेटिक्स होते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम है लड़कियों में होता है, या कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज होती हैं जहां पर ये पैदाइशी डिफेक्ट है। इसमें हो सकता है कि आप बच्चे की हाइट को बहुत ज्यादा ना बढ़ा पाए, बट मेरा मकसद आज ये बताने का था कि तीन जो इंपॉर्टेंट कॉज है, अगर आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पा रही है तो उसका आप एक विटामिन डी का लेवल, उसका थायराइड की जांच और उसके पेट की जांच कराइए, ताकि उसको इन तीनों बीमारियों का पता चल सके और आप अपने बच्चे का इलाज करके उसकी हाइट को नॉर्मल रिगेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।